अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद नाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खैरियत से रखे और खुश व खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दो किस्म के क्लींजिंग लेकर आई हूँ। एक ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए लेकर आई हूँ, एक ड्राई स्किन वालों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो टाइम ज़ाय किए बगैर चले स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बताऊंगी, ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डबल एक्शन क्लींजर। ठीक है, ये आम क्लींजिंग से इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है, एक तो नॉर्मल क्लींजिंग तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। ठीक है, किसी भी कंपनी के डर्माकोस की ले सकते हो आप लोग, जो है ना डर्मा क्लीन की ले सकते हो आप लोग, गोल्ड वालों की ले सकते हो, फ्रूट वालों की ले सकते हो, डर्मा शाइन की ले सकते हो। मतलब अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई कि आप कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाओ और आपको एक से एक क्लींजिंग मिल जाए। लेकिन डबल एक्शन भी आप लोगों को हर कंपनी का मिल जाएगा। आम क्लींजिंग में और डबल एक्शन क्लींजिंग में क्या फ़र्क है, ये अंदर तक गहराई तक जाके सफाई करता है। ठीक है, और आपके जो है ना फाइन लाइंस भी ख़त्म करता है, चेहरा स्मूथ करता है और डीपली जो है ना ये चेहरे को एक्सफोलिएट भी कर देता है और चेहरे को साफ भी कर देता है। और इसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट लगाई जाती है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट, जैसे मैंने इतना ज़रा सा मैंने ये लिया और व्यूअर जी इतना ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा लेके ना आप लोगों ने क्या करना है अपने चेहरे पर, ये देखिए जैसे जैसे मैं वो करती जा रही हूँ, ये देखिए फोम बनता जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसका मसाज तकरीबन, अगर आप लोग पूरा फेशियल के साथ करते हैं तो 3 से 4 मिनट हमें क्लींजिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोगों ने खाली क्लींजिंग करनी है तो फिर आप लोग 7 से 8 मिनट तक जो है ना इसकी अच्छी तरीके से क्लींजिंग करें। ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर में गोल गोल मूवमेंट के साथ मसाज करना है। अच्छा, दो तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है ना ये थोड़ा सा थिक होता है तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप लोगों को और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप लोग पानी के बजाय आप लोग इसका जो है ना एलोवेरा जेल के साथ भी इसका जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, एलोवेरा जेल के साथ या कुकम्बर जेल के साथ। ठीक है, मेरे पास इस वक्त एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो मैं कुकम्बर जेल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और ये स्किन पे जो है ना स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर देता है, एक्ने को ख़त्म कर देता है, स्कार्स को ख़त्म कर देता है। ठीक है, पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है इससे, तो ये आप देख सकते हैं आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, कुकम्बर जेल भी और एलोवेरा जेल भी। ठीक है, आप लोग जो है ना एलोवेरा जेल अगर आप लोग के पास फ्रेश है तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त मार्केट का कुकम्बर जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग कुकम्बर जो है ना जूस भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने कुकम्बर जेल लगाया और उसके साथ में मसाज दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग करके देखिए, ये आप लोगों को इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्ट तो आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैं आप लोगों को जो है ना रेमेडीज़ भी बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे जो लोग जॉब करते होंगे या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग जो है ना बच्ची आएंगी जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो रेमेडीज़ करें या चीज़ें ज़्यादा के लेकर आए। तो अगर आप लोग ये एक जार लेते, ये इतना बड़ा जार है व्यूअर्स, और ये तकरीबन सिर्फ मुझे 550 रुपये का मिलेगा, जो आप लोगों का कई महीने साल डेढ़ साल आराम से चलेगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये तो प्रोफेशनल जार है, हम पॉलर में यूज़ कर देंगे। अगर आपको इससे छोटा वाला भी चाहिए तो वो आपको बहुत कम रकम में जो है ना वो भी मिल जाएगा, उसके प्राइस मुझे नहीं पता है कि क्या है, लेकिन अलग अलग होंगे इसमें, मेरे ख्याल में 2 से 3 साइज़ आते हैं तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा है इसमें, तो ये आपका जो है ना कई माह साल डेढ़ साल आराम से चलेगा और ख़त्म नहीं होगा। जो लोग जो है ना बेस लगा के जाते हैं, ठीक है, जैसे जॉब करने वाली ख़वातीन हैं अक्सर जो है ना वो पूरा दिन उनकी बेस लगी हुई होती है, तो रात को सोने से पहले आप लाजमन इसके तकरीबन 7 से 8 मिनट मसाज करें और अच्छी तरीके से फिर कोकम्बर जेल लगाएं साथ में, चाहे एलोवेरा जेल के साथ करें, नहीं आपके पास तो कोई मसला नहीं, आप सादे पानी के साथ या अरके गुलाब के साथ भी इसका मसाज कर सकते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लो। ठीक है, मैं वॉश करके अब मैं आप लोगों को ड्राई स्किन के लिए भी बताती हूँ कि वो कौन सी क्लींजिंग यूज़ करें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं हाथ वॉश करके आ गई और इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोग क्लींजिंग करें उसके बाद आप लोग टोनर लाजमन लगाएं, किसी भी कंपनी का टोनर लगा लें। ठीक है, जो भी आपके पास टोनर है, टोनर नहीं है तो आप अरके गुलाब भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो है ना या कुकम्बर का स्प्रे भी अगर आपके पास बोतल में करके इस तरीके से चंद ड्रॉप लेके और हल्का सा टाइप करके जो है ना आप लोग कर दें, ताकि वापस आप लोगों के ना पोर्स बंद हो जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्लींजिंग तो कर लेते हैं लेकिन वापिस अपने पोर्स बंद नहीं करते हैं, तो टोनर जब हम लगाएंगे तो हमारे पोर्स वापस श्रिंक हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब मैंने लिया है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, जैसे कि सबको पता है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, कराची में तो गर्मी है लेकिन जो आगे के इलाके हैं, सरहद वगैरह के इलाके होंगे,
तो वहाँ पर जो है ना ठंड शुरू हो चुकी है, ठीक है। और अक्सर जो है ना लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, जिनकी ऑयली भी है तो उनकी भी हल्की फुल्की धोने के बाद जो है ना स्किन ड्राई ड्राई सी लगती है। तो ये मैं लेकर आई केके मिस्ट का जो है ना मिल्क क्लींजिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का मिल्क क्लींजिंग ले सकती हूँ, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए कि अक्सर जो है ना जब हम मिल्क क्लींजिंग यूज़ करते हैं तो चेहरा थोड़ा सा लोग ब्लैक ब्लैक सा महसूस होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसके बाद जो है ना चेहरा ब्लैक ब्लैक महसूस नहीं होगा, ठीक है। और ये भी जो है ना डीपली जो है ना चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगा और सॉफ्ट भी करेगा, ठीक है। इसका भी तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने ले लेना है। इसमें एलोवेरा जेल की या कुकम्बर जेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क क्लींजिंग है तो ये डायरेक्ट हमने यूँ ही यूज़ करना है। इसका भी सेम प्रोसीजर है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग मेकअप उतार रहे हो या जो है ना आप लोग सिर्फ क्लींजिंग कर रहे हो, फेशियल वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक आप लोगों ने मसाज करना है। बिल्कुल राउंड में गोल गोल सर्कुलर मूवमेंट के साथ करना है। और ये कोशिश किया करें, ये जो टिप्स है ना उंगलियों के टिप्स, ये इस्तेमाल किया करें, ठीक है। हथेलियों से आप लोगों ने बिल्कुल भी रगड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। टिश्यूज़ जो स्किन के अंदर जो बारीक बारीक टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे के तकरीबन 3 लेयर्स होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हमारे चेहरे के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें टूट फूट शुरू हो जाती है, और जो है ना फिर एक्नी निकलती है या रिंकल्स निकल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, देखें सर्कुलर मूवमेंट में जो है ना अपवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। आप लोग इस तरीके से आराम आराम से जो है ना वो करें, अपने चेहरे का मसाज करें और 6 से 7 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा वॉश कर लें, और सेम उसी तरीके से हाथ वॉश करने के बाद या चेहरा वॉश करने के बाद आप लोग टोनर अप्लाई कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोबारा हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।